हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम बात करेंगे आज कैप्रीज के लिए ये मंथ यानी कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक कैसे जाने वाला है। इस मंथ की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर दो ग्रहण लग रहे हैं, एक सोलर और एक लूनर। ऑलरेडी एक लूनर एक्लिप्स लग चुका है तो जो दो ग्रहण हैं वो अपनी एनर्जीज जो हैं ज़रूर डिसिपेट करेंगे और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हम सब पर ही आएगा। कैप्रीज के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि कैप्रीज में ऑलरेडी नीच भंग राज योग कर सैटर्न और जो जुपिटर है वो वहां पर विराजमान है। हालांकि जुपिटर बाय एंड ऑफ द मंथ जून में शिफ्ट हो जाएंगे और रेट्रो उनकी जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ बेटर तो जरूर होगा, पर मैं उतना बेटर नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो एनर्जीज हैं, जब इतनी सारी एनर्जीज रेट्रो में चल रही हों, जब इतनी सारी एनर्जीज जो हैं वो कम्युनिकेशन की लाइन्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मरकरी के यानी कि जेमिनी में अब ग्रहण लग रहा है और वहां पर ऑलरेडी राहु हैं और सन जले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है हमारा हेवायर होगा, कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम होगी। कैप्रीज को भी डबल प्रॉब्लम लग सकती है क्योंकि कैप्रीज ऑलमोस्ट लगन में, उनके लगन में ही है सैटर्न, तो लिमिटेशंस भी वो फील करेंगे कहीं ना कहीं। और अगर मैं देख पैसे के मामले में देखा जाए तो पुरानी जो पैसे हैं वो कहीं अड़ सकते हैं, ऐसे लग सकता है कि पैसे मिल नहीं रहे हैं, पर मिलेंगे ज़रूर। जो पेमेंट ऑलमोस्ट अड़ी हुई है या जो रुकी हुई है वो आपकी ख़त्म नहीं हुई है लेकिन वो मिल नहीं रही है, तो अभी आपको आपके हाथ में नहीं आ रही है, आपके गाइडिंग एजेंसी आपको गाइड करेंगे, वो मनी मिलेगी ज़रूर, वो ऐसे ख़त्म नहीं हुई है लेकिन आपको मिलने में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि आपको लिमिटेशन रहेंगी। रिलेशनशिप को लेकर भी इसी तरह के इश्यूज़ आप अपने फील कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसे बार बार लगेगा कि ये रिलेशनशिप्स में भी मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो है वो हेयरवायर हो रही हैं। सिचुएशन इसलिए भी हेयरवायर हो रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने आप को बाइंडेड फील कर रहे हैं। सिक्स हाउस में आपके ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन या इलनेस को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है और फॉरेन को भी, तो यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। तो जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना पॉजिटिव आपके इम्पैक्ट होंगे, उतना पॉजिटिव आपको लगेगा। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो वर्स्ट ऑफ द नेगेटिव आपके साथ हो सकते हैं। फैमिली लाइफ को लेकर बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं क्योंकि फैमिली लाइफ जो है वो इतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही है। हालांकि आपको हो सकता है कि पास्ट की कोई बात याद आ जाए जिससे आपको कहीं ना कहीं इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो और या ज़्यादा सोच आ जाए आपके माइंड में और आपके लिए स्लीपलेस नाइट्स भी हो जाए। कोई पुराने फ्रेंड, पुराने नोन टूज भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको अपने आप को खुद गाइड करना है, खुद मंजिल पर लेकर जाना है। देखिए, एंड ऑफ द मंथ यानी कि 15 जुलाई के आसपास जब आपको पैसे मिलेंगे तो कुछ रिलीफ आप फील करेंगे और राजा की तरह जो आपकी नेचर है बेसिकली राजा की तरह रहेंगे और हार्ड वर्क से आप डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं है। किसी लेडी की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ठीक हो जाएगी। अबंडेंस है देखिए आपकी लाइफ में, आने वाले टाइम में आप अबंडेंस फील कर रहे हैं लेकिन वो अबंडेंस आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको लर्न करके वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप पाएंगे और उसके बाद उसका इंपैक्ट जो है वो सीखेंगे। तो आपको अपनी हर एक सिचुएशन में हील होना है, आपको अपनी हर एक सिचुएशन में बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं ले सकते और कुछ ना कुछ कंपैशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। सैटर्न इज फॉर कंपैशन ओनली, आपको कंपैशन दिखाना पड़ेगा लोगों को और उनका पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, सुनना भी है, समझना भी है और करना भी है। तो कॉशन जो है वो आपको रखना है कि लोगों की बात भी आपको पूरे ध्यान से सुननी है, उनकी बात पर भी ध्यान देना है, तभी आपको अपनी लाइफ में पीस मिलेगा, वरना पीस नहीं मिलेगा। यानी कि आपको फॉरगिव करना है और फॉरगेट भी करना है। सो द मेन मोटो इज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये वो टाइम है जब आपको ये लेसन सीखना है कि आपको मैसेज लेना है कि यू नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो किसी भी फॉर्म में आपको मिल नहीं सकती अगर आप ये चीज सीखेंगे नहीं। तो ये आपके लिए चेंज का टाइम है, मैं बहुत बार बार कह रही हूं कि ये टाइम ही चेंज का है, ये टाइम ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। बहुत सारी एनर्जीज डिसिपेट होकर इधर से उधर हो रही है, आप बहुत इनोसेंट हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। आपको ऐसे लगता है कि मैं आपको सौरो पेन हो रही है, बहुत ज्यादा अंदर ऐसे दर्द होती है, दुख लगता है क्योंकि आपने लोगों के साथ बुरा नहीं किया है और जब वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तब आपको बुरा लग रहा है। ये सोच करके वो ऐसी सोच भी कैसे सकते हैं आपके साथ बुरा करना जबकि आपने कभी जिंदगी में लिव एंड लेट लिव के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो जो लिव एंड लेट लिव है कहीं ना कहीं वो आपको सीखना पड़ेगा कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स ऑल्सो, यू नीड टू बी मैच्योर।
और ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, किसी को छोड़ना, किसी से छूट जाना, कुछ ना कुछ तो लाइफ में छूटेगा ना, आपको ध्यान रखना है। और आपको ऐसे लगता है कि मुझे इन्होंने बाहर वाला बना दिया, आई एम एन आउटसाइडर, कोई बात नहीं, आप अपनी इनर वॉइस को सुनो जो बिल्कुल डीप यहाँ है, सब कॉइस को छोड़ दो और अपने दिल की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए, वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। उससे किसी को कंट्रोल नहीं करना है हमने, लेकिन हमने अपने आप को कंप्लीट करना है। तो जो एकदम से जो चैन नहीं मिल रहा है, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद भी चैन नहीं मिल रहा, जो ट्रस्ट के बाद भी चैन नहीं मिल रहा, तो वो चैन तभी मिलेगा आपको जब आप ये समझ जाएंगे कि आपने किसी के साथ कम्पीट करना ही नहीं है। आपके कॉम्पिटिशन आपका अपना सेल्फ है, अपना हायर सेल्फ ही आपका कॉम्पिटिशन है, और कोई आपका कॉम्पिटिशन नहीं है। और वही अबंडस आपको मिलेगी, वही अबंडस आपको दी जाएगी। अगर बच्चों से कंसर्न कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि बच्चों से कंसर्न सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होंगे और वो बेटर के लिए होंगे। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिएगा, वो मेहनत भी कर रहे हैं तो उनकी सारी इच्छाएं जो है वो मैनिफेस्ट होंगी। तो कैप्रीज के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉल्व होंगे, बट वो आपके लिए बेटर बेटर और बेटर ही लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर को लेकर आप कहीं पर भी आप व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई टैरो से रिलेटेड, लोशो ग्रिड से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एल्केमी नाम के इंस्टीट्यूशन में ये ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे बैठे ही सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।